तो आइए जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में कि क्या इतना शोर शराबा है, किस बारे में, और बहुत जल्दी जानेंगे क्योंकि समय सबके पास कम होता है। कहानियाँ बिल्कुल नहीं गढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है जिसकी बहुत तगड़ी ट्रेनिंग हुई है। किन चीज़ों पर ट्रेनिंग हुई है? इसने हज़ारों लाखों किताबें पढ़ी हुई हैं, इसने बहुत सारे कोड पढ़े हुए हैं, इसने इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट पढ़ी हुई हैं और उस पर उसकी ट्रेनिंग हुई है, और इससे आप ये समझ सकते हैं कि उसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। बट ये बेस्ट पार्ट नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप उसके चैट बॉक्स में टाइप करते हैं तो जितनी तेज़ी से आपको उस सारी इन्फॉर्मेशन से रिट्रीव करके उससे निकाल के डेटा आपके सामने रखता है, वो गज़ब की चीज़ है। वो आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए। आइए देखते हैं, चैट openai.com पे जाके मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ। ऐसे होता है, आप जाएंगे, लैंग्वेजेस समझता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है, स्पैनिश, इटालियन, हिंदी भी जानता है। हिंदी आप हिंदी में लिखना चाहें तो देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, नहीं तो आप जैसे व्हाट्सएप में आमतौर पे लोग लिखते हैं क्या KYA वाला क्या लिखना है, वैसे भी उस लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो वो भी समझता है। और अब बात करते हैं ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ये हर वो चीज़ कर सकता है जिसके लिए इसको ट्रेनिंग दी गई है। उसमें क्या क्या आता है? ये आपके असाइनमेंट्स कर सकता है, लेटर्स लिख सकता है, रिपोर्ट्स लिख सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना सकता है, उसका डेटा देख सकता है। आप उसको एक आर्टिकल लिखने को बोलिए, वो लिख सकता है। उसको आर्टिकल लिखने के बाद आप कहिए कि यार इसकी थोड़ी जो टोन है इसको थोड़ा फनी बनाओ, वो बना के दे सकता है। 500 वर्ड्स में लिखो अप्रोक्सीमेटली, वो कर सकता है। सब कुछ जो आप एक टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सब कुछ कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? जिन चीज़ों के लिए इसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है वो ये नहीं कर सकता। तो इसकी काफ़ी लिमिटेशंस हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो मतलब सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसकी बहुत ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। तो क्या नहीं कर सकता? ये पर्सनल ओपिनियन नहीं देता, मतलब हाँ आप उसको बहुत फोर्स करेंगे, आप अलग तरीके से कुछ बात कहलवा देंगे तो कह देगा, लेकिन पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल प्रेफरेंसेस नहीं है उसकी। तो आप उससे चॉइस नहीं पूछ सकते कि बताओ भाई क्या बढ़िया है, वो उसकी कोई चॉइस नहीं है जैसे ह्यूमंस की होती है। अनएथिकल और इलीगल चीज़ें नहीं करता है, ऑन पेपर नहीं करता है। काफ़ी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, जैसा मैंने कहा, लिमिटेड उस सेंस में कि जो डेटा पे जिसकी ट्रेनिंग हुई है वही आप रिट्रीव कर पाएंगे। उसके अलावा फॉर इंस्टेंस आप उससे पूछेंगे कि भाई आपके भाई का क्या नाम है, नहीं बता पाएगा। वो फैक्ट्स जो इसने कभी एनकाउंटर ही नहीं करे, इसके सामने आए नहीं कभी, वो नहीं बता पाएगा। तो आपके साथ फिजिकली कुछ खेल नहीं सकता कि आप सोचें क्रिकेट खेलना चलो भाई चैट जीपीटी फॉर द टाइम बीइंग। ये जान लीजिए कि ये आज का सिनेरियो है, इसकी बहुत तगड़ी ट्रेनिंग चल रही है। जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी मतलब दर्जनों किलो के होते थे, बहुत भारी भारी होते थे। आज आपके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल फोन भी एक कंप्यूटर है, तो ये कैसे इवॉल्व करेगा आगे चल के, नॉट जस्ट चैट जीपीटी बट बाकी AI टूल्स कैसे इवॉल्व करेंगे ये देखना बाकी है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि आज आपके साथ क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा कि कोई रोबोट विद एक्सट्रीम इंटेलिजेंस आपके साथ क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेल सकता होगा। आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी चैट जीपीटी के बारे में। नहीं हुई हैं कुछ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, अगर मुझे पता होंगी मैं बताऊंगा, नहीं पता होंगी तो मैं पता करके बताऊंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद पीपल हु वुड लाइक टू, एंड आई एक्सपेक्ट एवरी वन शुड नो अबाउट चैट जीपीटी और AI टूल्स लाइक दिस। दिस टेक्नोलॉजी सीम्स टू बी हेयर टू स्टे। सब्सक्राइब द चैनल एंड आई होप यू लाइक इट। टेक केयर, बाय।